नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बाजार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेटे की फाइनल आंसर की और रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसका एग्जाम हुआ था दो पालियों में, 24 अगस्त को दो पालियों में इसका एग्जाम हुआ था, जिसमें 20,73,000 बच्चों ने इस एग्जाम में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से जो अटेंडेंस यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 85% अटेंडेंस हुआ था। लगभग 17.5 लाख है बच्चों ने इस एग्जाम में अपनी उपस्थिति को दर्ज कराया था। तो यहाँ पे आप लोग के मन में सवाल होगा, तो अगर हम माने ये जॉब और जॉब जॉब रिया का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, और भी मैं दिखाऊंगा न्यूज़पेपर का भी, बट यहाँ पे पेपर कटिंग है, तो ये पहले मैं दिखाना चाहता था। तो यहाँ देखिएगा कि जो रिजल्ट जारी किया जा सकता है सितंबर माह के अंत में आपको रिजल्ट जारी किया जा सकता है, ठीक है ना, जिन्हें 4 सितंबर तक देखा जा सकता है वेबसाइट पर, ठीक है। जो आंसर की है, नहीं आंसर की नहीं, जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो 4 सितंबर तक देख सकते हैं, तो 4 सितंबर के बाद ही आपका रिजल्ट जारी होगा, ये तो जाहिर से बात है। तो मुझे लगता है कि 4 सितंबर के कुछ एक सप्ताह के अंदर ही आपको फाइनल आंसर की भी देखने को मिल जाएगा, और उसके बाद आपको रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा सितंबर के अंत तक, जो कि यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। मैं एक वेबसाइट से नहीं, बाकी और भी वेबसाइट से आपको बताऊंगा, और बाकी सब लिखा हुआ है कि यहाँ सितंबर के अंत तक आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, और यहाँ कितने सिक्योरिटी के साथ एग्जाम हुआ था वो बताया गया, 70,000 कैमरों के से निगरानी रखा गया था इस एग्जाम में, ये सब बताया गया। तो कुल मिला के यहाँ पे अपडेट है कि 85% बच्चों ने इस एग्जाम में हिस्सा लिया था, 17.5 लाख बच्चों ने एग्जाम में हिस्सा लिया था, और जहाँ पे आपका जो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सितंबर के अंत तक आपका एग्जाम हो सकता है, ठीक है। चलिए अब दूसरे वेबसाइट पे हम चलते हैं, ये लाइव हिंदुस्तान का वेबसाइट है, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो रिजल्ट आपका लिखा हुआ है सितंबर तक। देखिए लेखपाल का जो एग्जाम है 7,882 पदों के लिए होने वाला है, कब तक होने वाला है, 2021 में होने वाला है, नवंबर 2021 में होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैं कैलेंडर भी आप लोगों को दिखाऊंगा अभी, जो भी यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम होगा उसका कैलेंडर भी मैं दिखाऊंगा, और डेट में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, डेट में बहुत ज़्यादा चेंज होगा नहीं यहाँ पे। तो यहाँ देखिएगा 2021 में कट ऑफ है सफल, यहाँ लिखा हुआ है कि जो सफल विद्यार्थी होंगे वही इस एग्जाम को दे पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बताया गया है कि 15 सितंबर से लेके 15 से 30 सितंबर के बीच में पीईटी का रिजल्ट जारी किया जा सकता है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे हिंदुस्तान के ऑफिशियल वेबसाइट पर। 30 तारीख का है ये, 3:03 AM पे ये अपडेट दिया है, मतलब आज सुबह का ये अपडेट है, और यहाँ पे बताया गया है कि 15 से 30 सितंबर के बीच में अपडेट रिजल्ट को जारी किया जा सकता है। अक्टूबर मुझे नहीं लगता है कि जाएगा, सितंबर में ही रिजल्ट आपको मिल जाना चाहिए, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये हिंदुस्तान का अपडेट है जो मैंने आपको दिखा दिया कि 15 से 30 सितंबर के बीच में आपको अपडेट मिल जाएगा, और वेबसाइट ये देख सकते हैं UPSSC.gov.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आप अपने रिजल्ट को देख सकते हैं। आगे अगर हम बात करें अमर उजाला को भी देख लेते हैं, तो अमर उजाला का भी सेम यही बात कहना है कि जो रिजल्ट आएगा वो 15 से 30 सितंबर के बीच में आएगा, मतलब कि सितंबर लास्ट वीक में रिजल्ट जारी किया जा सकता है। यहाँ पे देखिएगा कब तक जारी होगा रिजल्ट, यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे अगर हम इम्पोर्टेंट पॉइंट को ही सीधा ध्यान दें, तो यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है कि रिजल्ट आपका सितंबर लास्ट में जारी होगा, ठीक है ना, रिजल्ट कब जारी होगा, सितंबर लास्ट में जारी होगा, ठीक है, सितंबर लास्ट में आपका रिजल्ट जारी होगा। तो ये आपको हर एक वेबसाइट पर यही चीज़ बताया गया है कि रिजल्ट आपका सितंबर के अंत में जारी किया जा सकता है, जो कि जारी भी होगा सितंबर के अंत में, ठीक है ना, सितंबर के अंत में जारी होगा। यहाँ आप देख लीजिएगा, अभी मुझे शो नहीं कर रहा है, बट मैंने यहाँ देखा था कि अमर उजाला वालों ने, यहाँ देखिएगा रिजल्ट है, यहाँ लिखा है परीक्षा का रिजल्ट है, यहाँ देखिए परीक्षा का रिजल्ट है सितंबर माह के पहले सप्ताह तक, यहाँ लिखा हुआ है पहले सप्ताह तक घोषित किया जा सकता है। इसका लॉजिक मैं बता दूंगा, पहले सप्ताह में तो कम चांस है, बट सितंबर 15 से 30 के बीच में कभी भी रिजल्ट आ सकता है, मतलब तीसरे सप्ताह के बाद कभी भी रिजल्ट आ सकता है, दूसरे सप्ताह के बाद कभी भी रिजल्ट आपका देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। अब ये पहले सप्ताह में क्यों कह रहे हैं, इनका लॉजिक क्या है, ये समझते हैं हम लोग।
तो यहाँ पे जब आप एग्जाम कैलेंडर को देखेंगे, यूपी ट्रिपल एससी का ये एग्जाम कैलेंडर है, ध्यान से देखिएगा, यूपी ट्रिपल एससी का ये एग्जाम कैलेंडर है। यहाँ पे जब आप देखिएगा तो यहाँ पे देखिएगा एक एग्जाम है, इनके जितने भी एग्जाम है यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो पहला एग्जाम होगा इसका जो हो चुका है 20 अगस्त 2021 को होना था, जो कि 24 अगस्त 2021 को हुआ। दूसरा एग्जाम आप देखेंगे तो 06 परीक्षा 2018 का ये एग्जाम है, सितंबर 2021 में होने वाला है। तीसरा एग्जाम देखेंगे ये भी 2018 का एग्जाम है, और यहाँ से देखिए 2021 का एग्जाम है। ये सब है 2000 पहले पहले के एग्जाम है। ये जो है पेट के अंतर्गत नहीं आते, यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये जो पहला एग्जाम है 2021 वाला, जितना भी एग्जाम है सब पेट के अंतर्गत आते हैं। तो पहला एग्जाम किसका होगा, नवंबर 2021 राजस्व लेखपाल का होगा, 7882 पद के लिए ये एग्जाम होगा। तो अगर ये एग्जाम को लेना है तो सितंबर अक्टूबर तक अगर जाएंगे तो फॉर्म भी फिल करवाना है उनको, ठीक है ना। अक्टूबर में फॉर्म अगर फिल करवाएंगे वो, तो नवंबर में एग्जाम लेना उनको मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि लेखपाल का फॉर्म भी फिल करवाना होगा। तो अगर एग्जाम का रिजल्ट जल्दी निकालेंगे तभी फॉर्म जल्दी फिल करवा पाएंगे और टाइम ज़्यादा दे पाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए ये जो रिजल्ट है सितंबर लास्ट वीक में आएगा, क्योंकि लेखपाल का पहला एग्जाम होना है, सीरियल नंबर 5 नवंबर 2021 में लेखपाल का पहला एग्जाम होने वाला है। तो अगर अक्टूबर में रिजल्ट निकालेंगे तो उनको एप्लीकेशन फॉर्म भी निकालना होगा लेखपाल का, तो वो काफ़ी लेट हो जाएंगे, उनको टाइम भी देना होगा, तुरंत एग्जाम नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, दूसरा एग्जाम होगा इसी के अनुसार आप देखेंगे तो नवंबर में दूसरा भी एग्जाम होगा। यहाँ पे एग्जाम डेट ही लिखा हुआ है, एग्जाम डेट लिखा हुआ है, प्रस्तावित तिथि कि ये नवंबर में फॉर्म आएगा, ठीक है ना, नवंबर में फॉर्म आएगा, मतलब किसी भी तरह इनको रिजल्ट निकालना है। और ये एग्जाम डेट ही दिया हुआ है, देखिए प्रस्तावित तिथि एग्जाम डेट 20 अगस्त दिया हुआ है, मतलब लेखपाल का एग्जाम जो होगा वो नवंबर में होगा, फॉर्म अक्टूबर में निकलेगा, नवंबर में एग्जाम होगा फॉर्म अक्टूबर में निकलेगा। और दूसरा एग्जाम देखिएगा, प्रारंभिक पत्रता 2021 से परिणाम उपरांत प्रकाशित विज्ञापन अंतर्गत के मुख्य परीक्षा, ये 9212 पद के लिए नवंबर में फिर से एग्जाम होगा, फिर 900। ये तो 2021 का नहीं है, 2021 का केवल आपको ध्यान देना है। तो दो एग्जाम है, फिर यहाँ पे देखिए दो और एग्जाम है, लगभग 2000 पदों के लिए यहाँ पे भी एग्जाम होगा। कनिष्ठ सहायक है, अनुलिपिक है, वह सामान्य योग्य वाले अन्य पद 2000 पद के लिए मार्च 2022 में एग्जाम होगा। और फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रयोगशाला एक्सरे, ये तो इनके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन चाहिए होगा, तो इसका एग्जाम कब होगा, 1200 पोस्ट के लिए होगा, मार्च 2022 में होंगे, ठीक है ना। तो नवंबर में जो यूपी ट्रिपल एससी पीटी 2021 का एग्जाम है वो होना है। तो एग्जाम जब होना है तो नोटिफिकेशन पहले निकालना होगा, नोटिफिकेशन अक्टूबर में इनको निकालना होगा। तो अगर अक्टूबर में नोटिफिकेशन निकालना है तो रिजल्ट को सितंबर में निकालना होगा, जबकि इनके पास टाइम है, 4 तारीख के बाद आपको कभी भी फाइनल आंसर की देखने को मिल सकता है। 1 सप्ताह के अंदर फाइनल आंसर की देखने को मिलेगा, और उसके 1 सप्ताह के अंदर आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेगा फाइनल आंसर की के बाद, ठीक है। मुझे लगता है कि 20-21 तारीख तक है, सितंबर में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। मेरा अनुमान जहाँ तक ये है कि 20-21 तारीख तक आपको फाइनल रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जब रिजल्ट देखने को दिया जाएगा तो कुछ दिन आपको टाइम भी दिया जाएगा रिजल्ट देखने के लिए, ठीक है ना। तो कुल मिला के यही अपडेट था, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अपडेट है, क्योंकि अभी से आप लोग को तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि नवंबर में फॉर्म नहीं आएगा, नवंबर में एग्जाम होगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि नवंबर में एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आएगा, नवंबर में एग्जाम होगा, आपको लेखपाल के लिए फिर से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना ही होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, थैंक यू।